हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ स्टडी 3x8 चैनल पर। आज के वीडियो में हम आप सभी को जानकारी देंगे आधार कार्ड से पैन कार्ड अप्लाई करके ऑनलाइन कैसे बना सकते हो। दोस्तों, घर बैठे सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप आधार कार्ड के माध्यम से पैन कार्ड अप्लाई करके ऑनलाइन बना सकते हो। उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लीजिएगा और गूगल सर्च बार में आपको टाइप करना है पैन कार्ड और सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ फर्स्ट में लिंक मिलेगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे आइएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन टाइप का, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके जो पहले वाले ऑप्शन है न्यू पैन इंडियन सिटीजन, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी में इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर टाइटल दे देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम, ठीक है। अगर मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए आगे ऑप्शन है, यहाँ पर टिक लगाकर सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला पेज खुलेगा, फिर से आपको कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद पहले वाले जो ऑप्शन है इस पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले आधार कार्ड का लास्ट 4 अंक आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यस पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको नीचे आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। जेंडर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर फादर्स का लास्ट नेम डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ फादर्स वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना है और नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा, यहाँ सोर्स ऑफ इनकम का ऑप्शन आएगा, तो इनकम फ्रॉम अदर्स पर आपको टिक लगा देना है या अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कंट्री कोड का, ठीक है। तो 91 आपको डालना है, इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करके आना है, नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर आपसे मांगा जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो इसे छोड़कर इंडियन सिटीजन का ऑप्शन है, इस पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद अपने स्टेट का नाम, जिला का नाम और दोस्तों फेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कोड है एरिया कोड, एओ टाइप कोड, रेंज कोड, एओ नंबर सभी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टिक लगाना है, टिक लगाने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके हिम सेल्फ हर सेल्फ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना स्थान डाल देना है, स्थान का नाम, और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से आधार कार्ड का शुरू से 8 अंक आपको डाल देना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडिट का, अगर आप फॉर्म भरते समय कोई भी गलती हुआ, मिस्टेक हुआ है तो एडिट पर क्लिक करके आप सुधार सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब दोस्तों पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पेमेंट कितना करना है, यहाँ पर शो करेगा 107 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पर टिक लगाकर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों पे कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए
स्कैन करने का ऑप्शन रहता है, तो आप स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको एक स्लिप मिल जाएगा, उसे नोट कर लेना है, ठीक है। उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या प्रिंट आउट ले लीजिएगा और अपने पास रख दीजिएगा। उसके बाद पेन कार्ड आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद 4 से 5 दिन के अंदर ऑफलाइन जो पेन कार्ड होता है वो आपके घर तक आ जाएगा, और ऑनलाइन पेन कार्ड है वो दोस्तों 24 घंटे के अंदर आपके जो ईमेल आईडी है उस पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पेन कार्ड अप्लाई करके ऑनलाइन बना सकते हो। अगर आपको पेन कार्ड अप्लाई करने में कोई समस्या आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ।